11, 12 में आपका मैथमेटिक्स ऑप्शन में होना चाहिए, चाहे वो पीसीएम के फॉर्म में हो, चाहे कॉमर्स के साथ मैथमेटिक्स के फॉर्म में हो, चाहे ह्यूमैनिटीज के साथ मैथमेटिक्स के फॉर्म में हो, मैथ्स को ऑप्शन में रखिएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पीसीएम बैकग्राउंड के जो बाद में जाके इकोनॉमिक्स लेते हैं, आज बहुत बड़े फर्म्स एंड कंपनीज के साथ काम करते हैं। सो इकोनॉमिक्स आपके लिए 5 बड़ी चीज़ों का गेट खोल देता है। सो मोस्टली जितने स्टूडेंट्स हैं वो सीयूईटी एग्जाम लिखने वाले हैं। सीयूईटी एग्जाम लिखने के बाद आप एक कॉलेज में जाते हैं और उसके बाद आपका करियर बनता है, पर उस करियर के बारे में बहुत कम लोग आपसे बातचीत करते हैं। हम एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं जहां पर हम हर एपिसोड में आपसे बात करेंगे एक नए करियर के बारे में, और सीयूईटी लिखने के बाद एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने के बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटीज वो करियर ऑप्शन आपको देगा। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर। अगर आपका ख्वाब है इकोनॉमिक्स में जाके पढ़ाई करना, तो इकोनॉमिक्स के बाद करियर कैसा दिखने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत होगी, छोटी होगी पर दमदार होगी। स्टिक टू द एंड। सो अगर आप 11th या 12th में हैं आज के टाइम और इकोनॉमिक्स में अपने करियर को देखना चाहते हैं, तो सबसे पहली और बहुत महत्वपूर्ण एडवाइस आप सबके लिए कि आपका मैथमेटिक्स 11th 12th में होना कंपलसरी है, ज़रूरी है। न सिर्फ इसलिए कि इंडिया के जितने चुनिंदा कॉलेजेस हैं वो इकोनॉमिक्स के साथ मैथमेटिक्स का कंपल्शन लगाते हैं, बल्कि इस कारणवश भी कि इकोनॉमिक्स एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है जिसमें मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग और गहराई होना काफ़ी ज़रूरी है। तो 11th में जाकर आप ज़रूर मैथमेटिक्स ले लीजिएगा और मैथमेटिक्स के साथ ही इकोनॉमिक्स को करियर के फॉर्म में आगे जाकर आप देख सकते हैं। इनफैक्ट एक स्ट्रेंज बात मैंने देखा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पीसीएम बैकग्राउंड के जो बाद में जाके इकोनॉमिक्स लेते हैं, आज बहुत बड़े फर्म्स एंड कंपनीज के साथ काम करते हैं एज अ कंसल्टेंट। तो डेलॉइट में मैंने देखा है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स काम करते हुए, मैकिन्सी में जैसी बड़ी कंपनी में काम करते हुए, जेसीसी आईआई जैसे ग्रुप्स के साथ काम करते हुए मैंने स्टूडेंट्स को देखा है। तो मैंने मैथमेटिक्स की बात करी, अब आपको एक करियर पाथ दे देते हैं। तो 11th 12th में आपका मैथमेटिक्स ऑप्शन में होना चाहिए, चाहे वो पीसीएम के फॉर्म में हो, चाहे कॉमर्स के साथ मैथमेटिक्स के फॉर्म में हो, चाहे ह्यूमैनिटीज के साथ मैथमेटिक्स के फॉर्म में हो, मैथ्स को ऑप्शन में रखिएगा। उसके बाद जैसे आपकी 12th खत्म हो जाती है, आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स टारगेट करना है इंडिया के बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज से या बेहतरीन से बेहतरीन यूनिवर्सिटी से। तो सीयूईटी आपको अल्टीमेटली दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुंचा देता है जिसके अंदर इकोनॉमिक्स के इंडिया के सबसे बेहतरीन कॉलेजेस हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं अंबेडकर यूनिवर्सिटी को, या फिर जामिया आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन देता है। अगर आप सीयूईटी के अलावा भी जाना चाहते हैं तो आईपीओ एक अच्छा ऑप्शन बनता है दिल्ली के अंदर। NMIMS बॉम्बे ये अपना एक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाता है, NPAT। तो NMIMS मुंबई भी एक अच्छा ऑप्शन बैठता है। इनफैक्ट सरला स्कूल फॉर इकोनॉमिक्स बहुत ही पॉपुलर नाम है मुंबई के अंदर, जो कि इकोनॉमिक्स के लिए आपको ग्रेजुएशन करवाएगा। सिम्बायोसिस में भी एक इकोनॉमिक्स का अच्छा ऑप्शन बैठता है। तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे इन सभी कॉलेजेस से, आप ट्राई कर सकते हैं सीयूईटी के थ्रू या बाकी एंट्रेंसेस देने के साथ साथ। उसके बाद आप मास्टर्स भी इकोनॉमिक्स में करेंगे, सबसे बेहतरीन मास्टर्स इकोनॉमिक्स की कोई यूनिवर्सिटी करा रही है तो वो है JNU। तो JNU एक बहुत अच्छा ऑप्शन बैठता है। JNU के बाद आप देख सकते हो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी एक जाना माना नाम है। मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी एक पॉपुलर नेम है, या फिर पुणे में गोखले इंस्टीट्यूट है जिसको आप टारगेट कर सकते हो। तो ये आपका करियर पाथ हुआ जिसमें हमने पहले बात करी 11th 12th की, फिर हमने बात करी ग्रेजुएशन की, सीयूईटी के बाद आप कहाँ जाने वाले हो, फिर हमने मास्टर्स की भी बात कर ली। ये करने के बाद आपको क्या टारगेट करना है उसके बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक्स में पैसा बहुत है, इंटेलिजेंस बहुत चाहिए, बड़े बड़े नाम इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी हो, चाहे रघुराम राजन जी हो, जो हमेशा सुर्खियों में बने रहे हैं कभी ना कभी। सो इस पाथ को फॉलो करने के बाद आपको 5 बड़े ऑप्शंस इकोनॉमिक्स देता है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन नीति आयोग। सो यू कैन एक्चुअली वर्क विथ वेरी पॉपुलर फर्म्स लाइक नीति आयोग, आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसी बड़ी यू नो इंस्टीट्यूशंस के साथ काम कर सकते हैं। RBI को अच्छे इकोनॉमिक्स की जरूरत हमेशा लगी रहती है। कंसल्टिंग में आप डेलॉइट के साथ काम कर सकते हैं, आप KPMG के साथ काम कर सकते हैं, तो कंसल्टिंग के लिए भी एक अच्छे इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर एक फील्ड है इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स में स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स का ऐसा मेलजोल है जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज, चाहे आप रिलायंस उठा के देख लो या SBI उठा के देख लो, आप इकोनॉमी के ऊपर
पूरी तरीके से डेटा का किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है और क्या फैसले लेने चाहिए। सो एसबीआई के इंटरेस्ट रेट को लोअर करना चाहिए या बढ़ाना चाहिए, ये इकोनोमेट्रिक्स फील्ड वाले जुड़े हुए लोग ही बता सकते हैं। तो इकोनोमेट्रिक्स एक अच्छा ऑप्शन बैठता है। इसके बाद काफी सारे बड़े लोग देखे गए हैं कि टीचिंग एंड रिसर्च से जुड़े हुए हैं। सो आप टीच कर सकते हैं, आप रिसर्च में जा सकते हैं। बड़े बड़े लोग, रघुराम राजन खुद बड़े बड़े कॉलेज में जाके पढ़ाते हैं और रिसर्च से एसोसिएटेड इकोनॉमिक्स के। सो इकोनॉमिक्स आपके लिए 5 बड़ी चीज़ों का गेट खोल देता है। चाहे आप बड़े इंस्टीट्यूट्स लाइक नीति आयोग में जाके काम करो, या बैंक्स में काम कर रहे हो, या RBI में काम कर रहे हो, कंसल्टिंग फर्म्स में जाके काम कर रहे हैं, इकोनोमेट्रिक्स में जाके आप काम कर रहे हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट टीचिंग एंड रिसर्च में जाके आप काम कर सकते हैं अगर आपने इकोनॉमिक्स में स्टडी करी। सो एक बार आपने पढ़ाई कर ली तो उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि आप माइक्रो इकोनॉमिक साइड जाके काम करना चाहते हैं या मैक्रो इकोनॉमिक साइड जाके काम करना चाहते हैं। कुछ अच्छी इंटर्नशिप फर्म्स का भी मैं आपको नाम बता देता हूँ। नीति आयोग की बात मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो वहाँ पे भी जाके आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। एसोचैम इंडिया, बहुत ही जाना माना नाम, जो कि स्टूडेंट्स को डेटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स जैसी चीज़ों में इंटर्नशिप कराता है। सो एक अच्छे कंज्यूमर इंडेक्स फर्म में भी जाकर आप काम कर सकते हैं, एंड सर्टनली वहां पे जाकर अगर आपने इंटर्नशिप करी तो आगे जाकर आपका फ्यूचर स्ट्रांग हो जाएगा। सो लॉट ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज इन इकोनॉमिक्स। हम किसी और एपिसोड में फिर किसी और करियर के बारे में बात करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड ऑन CUET by SuperGrads। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एज वेल। थैंक यू, थैंक्स सो मच।